अब मैं चली, अपना कफन मक्का से लेकर आई थी। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी और कमाल की शादी तोड़वाई। दोस्तों, ये मीना कुमारी जी के पति कमाल अमरोही साहब का घर है जो कि पड़ता है पाली हिल्स बांद्रा में। दोस्तों, कमाल अमरोही साहब जैसी शख्सियत से तो हम सब वाकिफ हैं। उन्होंने सबसे पहली बार सस्पेंस फिल्म महल, पाकिजा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्में बनाकर इतिहास रच दिया। और फिल्म मुगले आजम को कौन भुला सकता है, उसके 80% डायलॉग भी कमाल अमरोही साहब ने ही लिखे थे। मीना जी ने कल खयाम साहब, जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया है उनका भी घर कभी बसेगा नहीं, ये बद्दुआ है उनकी। कमाल अमरोही की अमर फिल्म पाकीज़ा के इस छांव में छुपे हुए गीत को तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मगर खुद मीना कुमारी ने, जो कमाल अमरोही साहब की हीरोइन ही नहीं बल्कि बीवी भी थी, उन्होंने मुझे बताया था, जी हाँ, कि गीत से पहले जो चार मिसरों का कता था ना, उसे मजरूह साहब ने नहीं बल्कि खुद कमाल अमरोही साहब ने लिखा था। जी हाँ, इसका वो कता कमाल साहब का ही लिखा हुआ है। दोस्तों, ये कथा तो आपने ठाड़े रहियों से पहले कई बार सुना होगा, पर आज जिंदगी में पहली बार इसे सुनिए एक नए रूप में, मीना कुमारी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। और इसी तरह जब बरसों बनते बनते रहने के बाद फिल्म पाकीज़ा मुकम्मल बन गई और उसकी रिलीज की रात आई, तो पाकीज़ा तो हिट हो गई साहब, मगर 31 मार्च 1972 ही की रात मीना जी ही दुनिया छोड़ गई। अपने कमाल से दर्शकों को बांधने वाला ये अजीम फनकार 11 फरवरी 1993 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। ये उनके और मीना कुमारी की मोहब्बत का ही असर है जो मौत के बाद भी दोनों की रूह मुंबई के एक कब्रिस्तान में ठीक अगल बगल दफन है। उस कब्रिस्तान की सुनसान फिजाओं में बस यही आवाज गूंजती है। चलो दिलदार, चलो चांद के पार, चलो।